सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5/2। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री, यहाँ लिखा हुआ है एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स। तो अगर मैं एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री को बोलूँ इक्वल टू टी, तो इक्वेशन क्या जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन अपॉन रूट टी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है। या फिर और भी अगर सकता हूँ मैं, और भी अच्छा सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकता हूँ, वो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं बोलता हूँ लेट से कि जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री है वो टी के इक्वल है। ठीक है, जगह जगह टी प्लस वन अपॉन टी इज इक्वल टू 5/2। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, टी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स ऑफ टी। और सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 2t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे इक्वेशन के, तो इक्वेशन आएंगे 2t स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2t इंटू टी माइनस 2 माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या जाएगी, t इज इक्वल टू आइदर 1/2 और 2। तो अब t क्या है, t इज इक्वल टू रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 और क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू क्या जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी x अपॉन x माइनस 3, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो वैल्यू हो जाएगी 1/4 के इक्वल। और क्या हो सकता है, x अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया मैंने। यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई करने पर हो जाएगी 4x इज इक्वल टू x माइनस 3 और यहाँ से इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हो जाएगी x इज इक्वल टू 4x माइनस 12। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 आएगी यहाँ से वैल्यू, और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, x इज इक्वल टू 4 आ जाएगी। तो सिंपली हमारे पास में यहाँ से दो सॉल्यूशन आएंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 4 इज दी आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन।